एग्जाम टूर देख रहे हैं। आज दरोगा भर्ती 1275 का फिजिकल का लास्ट होने वाला है और अभी इसी जस्ट तुरंत एक नोटिस आता है कि फिर से दरोगा की भर्ती किया जाएगा 2000 पदों पर। तो वैसे दरोगा अभ्यर्थी जो कुछ अंकों से छट गए हैं या जो फिजिकल में छट गए या जो मेंस में छट गए या जो पीटी में छट गए उनके लिए सुनहरा ऑफर है, अभी से तैयारी में लग जाए। संपूर्ण जानकारी लेंगे मेरे साथ द ऑफिसर अकेडमी के निदेशक शशि शरण सर। सर आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। बहुत खुशी का पल है। देखिए खुशी का पल अब लगातार आने वाला है छात्रों के लिए, इसलिए लगातार आने वाला है क्योंकि बिहार में अब नौकरियों की भरमार है और भैया मुझे लगता है कि बिहार की नौकरी है तो बिहार वाले लोगों को मिलना चाहिए और वैसी परिस्थिति के अंदर में बिहार के छात्र जो है अब लगातार अपनी तैयारी को जारी रखें। जारी इसलिए रखें क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आपको सरकार को सबक मिल चुका है इसके अंदर में। जो अभी चुनाव हुए थे लोगों को लग गया है कि भाई युवाओं का भी अब बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और युवा पीढ़ी के लिए अब हर सरकार सोच रही है और बिहार में तो पहले से चल रहा है, चुनाव के पहले से बिहार में शिक्षक विक्षक लगातार दो दो ढाई ढाई तीन तीन लाख चार चार लाख बहालियां हुई है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में मेरा ये मानना है कि लगातार वैकेंसियां अब आती रहेंगी तो अब मुझे लगता है कि छात्रों को कमर बांध लेनी चाहिए, पेटी कस लेनी चाहिए और उसके बाद अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। अब दो तीन सवाल है इसमें कि क्या हर परीक्षा का आएगा, हर परीक्षा के लिए तैयारी करें, एक सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि बिहार पुलिस की भर्ती आ रही है, बिहार दरोगा है, शिक्षक भर्ती है, बिहार एसएससी है, सीजीएल है, तमाम तरह की परीक्षाओं की परीक्षाएं हैं। लेकिन अगर आप पूरा का ओवरऑल सार देखेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि सबके अंदर में जीएस है, जीएस के अलावा मैथ्स रीजनिंग है और मैथ्स रीजनिंग के अलावा हिंदी और अंग्रेजी है। तो मुझे लगता है कि संपूर्णता से तैयारी करनी चाहिए छात्रों की, किसी भी एक बैच को आप ले लें या जहां से भी आप पढ़ते हैं उसी शिक्षक से पढ़ें, एक बार धांस के पढ़ दें, उसके बाद लगातार प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें, सिलेक्शन आप छीन के ले लें। सर ये जो दरोगा भर्ती है प्रीलिम्स और मेंस दो मेन एग्जाम होता है, दौड़ उसके बाद आता है, वो तो अंतिम प्रक्रिया है, लेकिन ये दो एग्जाम लेने के लिए 10 जीएस पेपर हो जाएंगे, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा सा मेंस में पूछा जाता है, सर इसको लेकर क्या? देखिए पेपर के अंदर में ही तो प्रश्न आएंगे और प्रश्न किसी एक बच्चे के लिए होंगे, सबके लिए प्रश्नों का स्तर बराबर होगा और अगर सब कुछ आसान आ जाएगा तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में सोचिए कि अगर आप ही एग्जामिनर है, आप ही को क्वेश्चन सेट करना है या कोई छात्र ही देख रहा है उसी को मैं दे दूं कि ये 5 लाख लोग परीक्षा देंगे, एक प्रश्न सेट करो, तो वो भी सोचेगा ना कि एक ऐसा प्रश्न का स्तर दें कि जो एक मीडियम लेवल का छात्र हो यहां तक बना पाए, जो अच्छे से और तैयारी किया हो यहां तक बना पाए और उससे अच्छे से तैयारी किया हो तो यहां तक बना पाए। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में प्रश्नों का स्तर कम नहीं होगा ये बात तय है। मुझे तो लगता है कि पिछली परीक्षा के मुकाबले प्रश्नों का स्तर और ऊंचा जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि छात्रों को भी अपने हिसाब से तैयार करना और ये बिहार के लड़के हैं, बिहार के लड़के जो है मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं और मेरा मानना है कि अगर आप में दम है पूरा दम लगा दीजिए, जितना दम है उतना दम लगा दीजिए कि बाद में अफसोस ना रह जाए इस बात का कि हम भैया नहीं कर पाए। सर दरोगा का ये पहला पल होगा, पहली बहाली होगी जिसमें कि 75% आरक्षित सीट होगा जिसमें 50% महिला होता है, उसके बाद मात्र 25% बचेगा यूथ के लिए जो जनरल अभ्यर्थी है उन लोगों को क्या? देखिए अब क्या है कि ये प्रक्रिया जो है ये संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा बनाया गया प्रक्रिया है तो इस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अब चूंकि 50% लड़कियों के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर में महिलाओं के लिए बहनों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे लगता है उन्हें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और जो है घर की बेरियां तोड़िए, घरों से बाहर निकलिए, तैयारी कीजिए और युद्ध लड़िए बराबरी का और लड़के नौकरी लेकर घर जाइए। 50-50 दरोगा का इंटरव्यू लिए हैं एक साथ जो फिजिकल निकाले हैं, उन लोगों का ये कहना है कि अब लूसेंट से काम नहीं चल रहा है, एक दो व्यक्ति लूसेंट पढ़ के निकाल ले रहे हैं, एनसीईआरटी फलना चिलना, आप क्या सजेस्ट? देखिए अब एनसीईआरटी लूसेंट इन पर टिप्पणी करने से बढ़िया है कि मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप इस चीज को समझिए कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो मानक पुस्तकों का अध्ययन कर ले। अगर मैं डायरेक्टली कह दूं कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो नए बच्चे हैं वो एनसीईआरटी पढ़ के कुछ बहुत सीख नहीं पाएंगे। एनसीईआरटी उनके लिए है जिन्होंने उस टॉपिक को पहले खुद से पढ़ लिया है, शिक्षक के माध्यम से पढ़ लिया है, पूरा टॉपिक तैयार है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो चीज एक पन्ना में देता है दूसरी किताब में वो 5 पन्ना में होता है, क्योंकि एनसीईआरटी समराइज्ड है, वो ओरिजिनल कंटेंट है, उस हिसाब से लिखी गई पुस्तक है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में लूसेंट से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन इस बात को तय करना होगा कि मानक पुस्तकों को पढ़ना होगा। जैसे हिस्ट्री के अंदर में आपको भैया जो मॉडर्न इंडिया की किताबें हैं वो किताबें आपको राजीव अहिर के स्पेक्ट्रम पढ़नी होगी, अभी नहीं कि एंशिएंट और मेडिवल के लिए भी किताब पढ़ रहे हैं, सिर्फ मॉडर्न के लिए आप किताब पढ़िए। पॉलिटी के अंदर में आपको लक्ष्मीकांत देख लीजिए या पीएम बख्शी वाली जो पतली किताब आती है उसको आप देख लीजिए। साइंस के अंदर में आप 8, 9, 10th वाली जो एनसीईआरटी का जो बॉक्स वाला होता है उसको अच्छे से देख लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए ऑल इंडिया रेडियो और पीआईबी सिर्फ 2 वेबसाइट काफी है, सब शिक्षक वहीं से करंट अफेयर बनाते हैं और पढ़ाते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो प्रीवियस ईयर एसएससी लेवल का क्वेश्चन आप देख लीजिए, काफी अच्छा कर पाएंगे। अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो क्लास 11th वाली एनसीईआरटी और 8, 10 और 11 ये 3 क्लास की एनसीईआरटी देख लेंगे, काम चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से किताबों को पढ़ना पड़ेगा और किताबों के साथ साथ उससे प्रश्न बनाकर बनाने होंगे। सर एक आप
मुहिम चला रहे हैं 50 दरोगा को फ्री में बनाने के लिए। देखिए ये क्या सर, एक मिनट सर, पहले वह जो दरोगा का लिस्ट होगा वह पहले आप जारी करिएगा 50 विद्यार्थी। देखिए मैं 50 विद्यार्थियों का लिस्ट जारी कर दूंगा मोबाइल नंबर और नाम के साथ। अब चूंकि उनका तो रोल नंबर अभी आएगा नहीं, हम वहां से 5 ही अगर सिलेक्शन, 10 ही सिलेक्शन, 20 ही सिलेक्शन, 50 ही सिलेक्शन जितना निकाल पाएंगे, हमारे यहाँ सब कुछ नीट एंड क्लीन होगा। लेकिन हाँ, 50 लोगों को दरोगा के लिए चुन रहे हैं, उसका एंट्रेंस टेस्ट का बहुत लोग डेट पूछ रहे हैं, तो डेट आ गया है 7 जुलाई को पटना के मुसल्लमपुर हार्ट सेंटर पे वो दरोगा का एंट्रेंस टेस्ट होगा। 50 लोगों को चुनेंगे और उनको पूरी तरह से फ्री में पढ़ाएंगे, 8-8 घंटा 10-10 घंटा रख के अपने आप पढ़ाएंगे उनको। मतलब जनरली हम बैच जो पढ़ाते हैं उसमें 3-4 घंटे की क्लास होती है, लेकिन वो जो हमारा स्पेशल मिशन दरोगा बैच होगा वो 8 घंटे का बैच होगा, जिसमें हम लोग जी जान झोंक देंगे। क्योंकि हमने भी 5 साल सोचा है भाई इस बार हमको उस पर मेहनत करना है, जब छात्र मेहनत कर रहे हैं तो इस बार हमारी भी बारी है, हम भी मेहनत करेंगे। और जहां तक रही लिस्ट जारी करने की बात मेरे भाई, हम फर्जीवाड़ा नहीं करते हैं, फर्जी बहुत चल रहा है। हम आपको एक बात बता देते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सिंपल है, हम फिजिकल एकेडमी से रिजल्ट नहीं खरीदते हैं, हम इन उन्हें और कुछ नहीं करते हैं, हम बहुत सीधा सटीक चलते हैं। अगर हम उसमें से जितने लोगों को सफल करा पाए हम उतना ही अपने आप को उस काबिल मानते हैं। और देखिए हर किसी की सफलता ना आप डिसाइड कर सकते हैं ना हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन प्रयत्न सब लोग कर सकता है। अगर मेरे यहाँ से 5 ही होगा तो हम 5 ही दरोगा कहेंगे, 10 ही होगा तो 10 ही कहेंगे, वो फर्जीवाला वाला हम दरोगा नहीं करते हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपको सूची पहले चाहिए, जिस दिन 50 का आएगा वो 50 का नाम, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ भी जारी कर देंगे। मान लीजिए अभी रोल नंबर तो आया नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में आप चेक कर पाएंगे, नाम, पिताजी कहिएगा, आधार कार्ड जमा करा देंगे, है ना, तो आप उसके बाद मिला लीजिएगा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, 50 लोगों के लिए 7 जुलाई को टेस्ट है, उस टेस्ट को देना मत भूलिएगा। लिंक है ऑलरेडी, कमेंट बॉक्स में आप लगा दीजिएगा, वो लिंक लोग जाके फॉर्म भर देंगे और उसके बाद जो है आइए देख लिया जाए किसमें कितना है दम। इस बार 8-8 घंटा 7-7 घंटा जितना जरूरत है दरोगा बनने के लिए उतना उससे ज्यादा करके देंगे, लेकिन आप मेहनत कीजिएगा, हम मेहनत करेंगे सिलेक्शन छीन के। जो भी दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको आप जरूर आवेदन करें। और फ्री ऑफ कॉस्ट, यदि आप में टैलेंट है तो आप वहां पे रहना खाना सब कुछ मुफ्त मिलेगा, आप तैयारी कर सकते हैं। रहने खाने को लेकर के अभी हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं, तो अभी फिलहाल वो जगह नहीं मिल पाया है, पढ़ाने की तो जगह हमको मिल गई है, जैसे ही रहने खाने का व्यवस्था हो जाता है वो भी निःशुल्क कर देंगे। हम वो काम नहीं करेंगे कि कहेंगे आ जाओ, जब बच्चा आ जाएगा तो कहेंगे कि ओ तुमको तो 5,000 महीना देना पड़ेगा, वो डंडीबाजी मेरे से नहीं होगा। हम अभी फिलहाल पढ़ाने का जिम्मेदारी उठाए, रहने खाने के लिए हम लोग चूंकि सेफ एंड सिक्योर जगह चाहिए वो ढूंढ रहे हैं, जैसे ही ढूंढने वाला जगह सक्सेसफुल हो जाएगा वो भी फैसिलिटी हम दे देंगे। फिलहाल हम उनको 7-8 घंटा अपने साथ रख के पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और वैसे छात्र जिनके अंदर में दम है इस बात का, तो 7 तारीख को टेस्ट में अपीयर होइए। जो टेस्ट का क्वेश्चन का लेवल होगा वो दरोगा के पेपर पीटी लेवल का होगा, उसमें आप पास करिए और पास करके फिर उस बैच में आ पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।